घर वाले भी बैठे ने और दर वाले भी बैठे ने। अल्लाह घर वाले का साया सलामत रखे। सज्जन साहब नू अलहमदुल्ला अलहाज मुहम्मद अली सज्जन साहब इस घर के गुलाम भी ने ते मुरीद भी ने और रात इकट्ठे वजीराबाद में ही अल्लाह पाक उन्होंने सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। उन्हां दी एक शेर पढ़ते होंदे से औगण हार निकम्मा को जज्जा सा मैं, फिर मैं समझ आई शकील कादरी उन्होंने जो दसिया ना कि जो रब ने मेरे पुत्र दिता तो कहन लगा कहन लगे मेरे घर मेरे मुर्शद आए तो आके रात के एक बजे तक सुबह तीन बजे तक नूर से गल होती रही तो फिर आके कहन लगे बेटा सज्जन जा कापी लैके आ तेरे पुत्र का नाँ रखिए। ये अलहाज सज्जन मुहम्मद अली सज्जन साहब गल सुनाते हैं कहते मेरे मुर्शद ने मेरे बेटे का नाम रखा नूर मुहम्मद। सज्जन अज रात नूर का जिक्र होया तेरे पुत्र का नाँ नूर मुहम्मद ही ना रख रही है नूर मुहम्मद रख दिता तो कहन लगे फिर पता नहीं आना जाना लगता है कि होंगे कि नहीं लै जो तेरा दूजा पुत्र हो तो उनका नाम आ रख ली तीजा होवे आ रख ली चौथा होवे आ रख ली पंजवा होवे तो आ रख ली छेवा होवे तो आ रख ली सतवा होवे तो आ रख ली। कहिंदा जो सत तक गल आई ना तो मैं हाथ जोड़ के खड़ा हो गया हुजूर मेहरबानी तो मैनू लगता है हो रही है हो गई है तो दुआ करो इस गली दे विच भी जिन्हें जिन्हां दे घर औलाद नहीं उन्होंने भी अल्लाह पाक पुत्र अता करे तो अल्लाह ने उन्होंने अपने मुर्शद की दुआ का सदका सत पुत्र ही अता किए ने मुर्शद ने जिवें दसिया तो उन्होंने उस तरह इनाम रखे ने जिवें मुर्शद ने दसे ने। ये नज़र की गल है जिहड़ा नज़र दे विच रहिंदा है उहदे ते करम नवाजी भी इंजी हुंदी है। हुण मैं गल मुर्शद तो गल दूर चली जाएगी मैं चारा की गल कर लगा सी मुर्शद की इजाजत है गल अल्लाह इन्हों का आना मेरा मकसद है गल कर भी इस घराने तो बड़ा फैज है और अल्लाह पाक अज इन्हों का इतने आना भी सदारत मनसब से बैठना साढ़े वास्ते बहस है एजाज की गल है। पिछले साल भी पीर साहब मेहरबानी फरमाई है इस साल भी तशरीफ लाए अल्लाह पाक इन्हों का साया साढ़े तो सलामत रखे।